हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू रियल ऑफिशियल उनके चैनल। आज मैं बताऊंगा आपको कि कैसे आप वॉइस से टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हो और उस टेक्स्ट को आप इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हो, ताकि आप बहुत ही आसान तरीके से सबटाइटल बना सको, सबटाइटल लिख पाओ। आप चाहे बंगाली बोल रहे हो, चाहे गुजराती बोल रहे हो, चाहे एनीथिंग, आप तेलुगु, कन्नड़, कोई सा भी भाषा अगर बोलते हो और आपको इंग्लिश नहीं मालूम है, और कैसे इंग्लिश में आपको टेक्स्ट कैसे आप लाएंगे, कैसे आप सबटाइटल रेडी करें इंग्लिश सबटाइटल, वो सारा कुछ मैं अभी एक्सप्लेन करने वाला हूं गाइस। और हर एक स्टेप को आपको अच्छे से फॉलो करनी है, क्योंकि अगर आप ज़रा से भी मिस करते हैं तो ये अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो गाइस जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आपको मैं यहाँ पर दिखाता हूँ। तो सबसे पहले गाइस आपको क्या करनी है, यहाँ पे आप देख रहे हैं वॉइस नोटबुक, ये मेरे एप्लीकेशन रखा हुआ है सो है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले आपको अपनी लैंग्वेज चूज़ करनी है। अब आपकी लैंग्वेज चूज़ करनी है, जैसे मैं हिंदी बोलता हूँ, अगर आप दूसरा कोई लैंग्वेज बोलते हो तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपको भी यहाँ पे लैंग्वेज मिल जाएगी। जैसे यहाँ पे मराठी हो गई, तेलुगु हो गई, मलयालम हो गई, नेपाली हो गई, एनी जो भी यहाँ पे लैंग्वेज आप बोलते हो, जो आपकी लोकल लैंग्वेज है, आप वो सेलेक्ट कर ले। तो मेरी जो लोकल लैंग्वेज है वो हिंदी है, तो मैं हिंदी यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो हिंदी मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं हिंदी इंडिया पे सेलेक्ट है। अब आपको क्या करनी है गाइस, अब मैं जो भी स्टेप बता रहा हूँ उसको ऐसे एग्जैक्ट वैसे फॉलो करनी है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। तो अब क्या करना है, यहाँ पे हरी हरी जो दिख रही है, माइक दिख रही है, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है हरा कलर का। अब जब आपको क्या करना है, आपको वही सब चीज़ें बोलनी है जिसका आपको कन्वर्टेड चाहिए, चीज़ें ट्रांसलेटेड जो इंग्लिश में चाहिए। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है, मैं कुछ हिंदी में बोलता हूँ, ठीक है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग, हेलो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों यहाँ पे क्या हो रहा है, मैं माइक यूज़ किया हूँ, इसके वजह से ये यहाँ पे नहीं हो रहा है। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ आपको एक क्लिप में दिखा देता हूँ, ठीक है। उस क्लिप से आप समझ जाएं कि क्या यहाँ पे हो रहा है, सेम चीज़ मैं वहाँ पे बताऊँगा। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे सिंपली कुछ ज़्यादा भारी चीज़ नहीं, आपको रिकॉर्ड करनी है जो आपकी वॉइस है, जो आपकी लैंग्वेज है, सेलेक्ट करके मैं यहाँ पे कर ले रहा हूँ। आप देख सकते हो कि मैं यहाँ पे जो भी बोल रहा हूँ ऑटोमेटिकली वहाँ पे लिख के आ जा रही है टेक्स्ट में, ठीक है। तो ये टेक्स्ट मैंने कंप्लीट कर लिया, मान लेते हैं कि मैंने एक सेंटेंस ले लिया पूरा। अब इसको पूरा मैं कॉपी कर लूँगा टेक्स्ट को, ठीक है। ये मैंने कर लिया कॉपी, यहाँ पे फाइनली मेरे कॉपी हो गया। अब इसको क्या करूँगा मैं, नेक्स्ट जो स्टेप है आपको गाइस उसको फॉलो करनी है। अब आपको ओपन करनी है ट्रांसलेट, गूगल ट्रांसलेट जो है एप्लीकेशन, आप उसे डाउनलोड कर लें, मैंने डिस्क्रिप्शन पे भी दे दिया है लिंक, आप उसे डाउनलोड कर लें। एंड डाउनलोड करने के बाद गाइस आपको क्या करनी है, जो टेक्स्ट आपने कॉपी किया था अपनी लैंग्वेज को, तो सबसे पहले आपको लैंग्वेज यहाँ पर चूज़ कर लेनी है। जैसा भी मैं स्टेप बता रहा हूँ वैसे ही आपको फॉलो करनी है। आप यहाँ पर देखें, मैंने लैंग्वेज चूज़ कर लिया, और कौन से लैंग्वेज में आउटपुट चाहिए वो भी मैंने चूज़ कर लिया। एंड मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, पेस्ट करते ही आप देखें नीचे यहाँ पे आपको दिख के आ जा रही है। तो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने क्या किया, पहले उस टेक्स्ट वॉइस टेक्स्ट वाले में पहले हमने एक बोला, वो कन्वर्ट हो गया अपने लोकल लैंग्वेज में, और उस लैंग्वेज को जैसे मैंने हिंदी में कन्वर्ट किया था, तो हिंदी वाली यहाँ जो टेक्स्ट है उसको क्या करनी है, आपको गूगल ट्रांसलेट में यहाँ पे डाल लेनी है। पेस्ट कर लेंगे तो आप ऑटोमेटिकली आप देखेंगे नीचे यहाँ पे आ गया है लिख के, हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू गाइज, एंड टुडे आई विल टेल यू द बेस्ट वे बाई विच यू कैन ग्रो इन यूट्यूब वेरी क्विकली। गाइज मे भी थोड़ी मोड़ी मिस्टेक्स हो सकती है इंग्लिश में ग्रामर की, तो उसका चिंता आपको नहीं करना है, ये अंडरस्टैंडिंग के लिए बेस्ट ऑप्शन है। और आप ये ध्यान रखिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट जो टिप्स है आपके लिए वो ये है कि आप जब भी अपनी लोकल लैंग्वेज बोल रहे हो, चाहे आप मराठी, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, कोई सा भी अगर लैंग्वेज आप बोल रहे हो, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो होती है वो है आपको क्लियरली हर एक वर्ड को बोलना है, अदरवाइज आपका जो इनिशियल जो वहाँ पर टेक्स्ट है वो गलत आएगी और फिर कन्वर्जन गलत होगी। तो आपको फ्रेश बोलना है। उसके बाद दोस्तों क्या करनी है, आपको यहाँ पे कॉपी कर लेनी है। आप देखिए यहाँ पे नीचे यहाँ कॉपी का ऑप्शन है, कॉपी का जब ऑप्शन यहाँ पे आ गया, अब क्या कर सकते हैं आप इस टेक्स्ट को बहुत ही आसान तरीके से आप सबटाइटल में यूज कर सकते हो। और जैसे कि मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि कैसे आपको यूट्यूब में सबटाइटल डालनी है, इस वीडियो का मैंने आई बटन में भी दे दिया, आप चेक कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन पर जाकर देखें वो वीडियो, सबटाइटल कैसे डालते हैं यूट्यूब वीडियोस में या फिर किसी भी वीडियोस में, वो तरीका मैंने बता दिया है। तो गाइस वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो वो वीडियो ज़रूर देखें, एंड ये दोनों वीडियो एक दूसरे से इंटररिलेटेड है। तो आज के लिए बस इतना ही गाइस, ये कैसा लगा, ये वीडियो कैसी लगी, और गाइस मेरी मेहनत जो मैं कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, इसका ज़रूर आप लोग रिजल्ट देना, और एक लाइक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना एंड शेयर जरूर करना दोस्तों। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले टेक केयर, स्टे सेफ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।